बीते दिनी आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी तो बाहर किए गए डॉक्टर शिवदयाल माली सहित आप पार्टी नु छड़ के कई कार्यकर्ता अज जलंधर वेस्ट तो भाजपा के उम्मीदवार महेंद्र भगत नु अपना समर्थन देने लई पुजे। इस मौके ते डॉक्टर माली अते उन्हारे कार्यकर्तावां ने भाजपा ज्वाइन नहीं की, पर चर्चा है कि वह जल्द ही भाजपा विच आ सकते हैं, जिस नाल वेस्ट तो आप उम्मीदवार शीतल अंगुराल नू इस था नुकसान हो सकता है। एक मुबारक मौका है श्री महेंद्र भगत जी पार्टी के उम्मीदवार बने ने। पहला तो इन्हों बहुत बहुत मेरी समुची टीम वालों जी नौजवानों की टीम है जिन्होंने पिछले सालों के किसी खास पार्टी के वास्ते आम आदमी पार्टी लिए अंथक मेहनत की, पर उन्होंने भी और मेरे मुताबिक भी जिहड़ा पार्टी ने कोई सिला नहीं दिता हैगा, जिहड़ा एक बड़ा एक निराशा वाला काम है एक राजनीति दे विच, इदां नहीं होना चाहिए। इस वेले मौजूदा बड़े उगे नेता ने अपने भाजपा के महेंद्र भगत जी बड़े एक राजनीतिक परिवार तो ने साडे भरा ने वड्डे और टीम का जिहड़ा पूरा समर्थन है इन्हां नूं इस इलैक्शन 2022 दे विधानसभा चोणां दे विच जिद्दां अंथक मेहनत दूसरी पिछली पार्टी वास्ते की सी, मैं और मेरी पार्टी ने पूरी समर्था दे नाल हर एक वसीला लगा के रात दिन सीचिया सी। उस तो वध भी असीं आउंदे समय दे विच महेंद्र भगत जी की सपोर्ट दे विच असीं उतरे हाँ। मैं अज कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, ये गल बाजा कर देना चाहुंदा मैं राजनीतिक तौर पर भी कोई भाजपा दे नाल जां पार्टी ज्वाइन करना जां कोई होर कहते ऐसा कुछ नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर और मेरी टीम जिहड़ी है पूरे समुचे तन मन धन दे नाल अज इस विधानसभा 2022 दीयां पंजाब चोणां दे विच महेंद्र भगत जी का भरपूर समर्थन करेगी और जिन्ना दल बल साडे कोलों लगेगा असीं इहनां नूं जिताण दे विच। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आम आदमी पार्टी नूं चुनती उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के वालों चौंती उम्मीदवार जो मैदान में खड़े किए गए उन्होंने मैक्सिमम जो बंद ने क्रिमिनल जी है रिकॉर्ड रखते हैं 54 जिन्हों का कोई भी अजे तक जी आम आदमी पार्टी ने कोई रह वास्ता नहीं। बिल्कुल गल सही है, सारा डाटा जोड़ा मौजूद है, मैं बड़ी डीपली इनू स्टडी करते रहे असं जद पार्टी जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी एक प्रवासियों की पार्टी है, यदा पंजाब के नाल कोई लेना देना नहीं है, ना पंजाब नाल ना पंजाबीयत नाल ना पंजाब दे सभ्याचार दे नाल। मैं हमेशा इंटरव्यूज़ दे विच कहा हैगा जो मेरे शिकवे शिकायतां ने पार्टी की उचेरी लीडरशिप तक पहुँचाते रहे हैं असी समा दर समा, बट उन्हां ते कोई विचार नहीं। ये मैं हमेशा आम आदमी पार्टी नूं 1.5-2 साल तो इन्हां नूं समझण की कोशिश विच असी किते ना किते पहले 3 साल च गच्चा खा गए मैं और मेरी टीम, पर जिद्दां जिद्दां समझ आई उदों समां बहुत गुजर चुक्या सीगा। इस मौके ते महेंद्र भगत ने डॉक्टर शिवदयाल माली सहित कई समर्थकों का स्वागत किया। उत्थे उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जलंधर वेस्ट तो काफ़ी लंबे समय तो शराब और नशे का काम चल रहा है जो कि कांग्रेसी विधायक की शह से हो रहा है। उन्होंने कहना है कि हुण समा आ गया है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का सफाया करन दा। अज मैं कह सकना कि साडे लई बहुत ही खुशी का समा है कि मेरे वीर डॉक्टर शिवदयाल माली जी जो साडे समाज के एक बुद्धिजीवी परसनैलिटी है वैल क्वालिफाइड, इन्हां दे मन में आया कि मैं राजनीति में आके सेवा करनी है। इन्होंने लंबा समा आम आदमी पार्टी का सहयोग भी किया, काम भी किया, पर जो महसूस किया कि उन्होंने लोगों ने इन्हों सका किया है एक काबल इंसान को छड़ के दूजे इंसान को टिकट दे देना, ये सरासर उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा किया है। सो इन्होंने महसूस करदिया होया बड़े लंबे समय तो ये विचार कर रहे सन कि इन्हों कि समर्थन करना चाहिए है। इन्होंने जात पात तो उपर उठ के महसूस किया कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हां विचों भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बेहतर है जिसने पहला भी समाज की सेवा लगातार असं कर रहे हैं। मेरे तो पहले भगत चुन लाल जी मेरे पिता श्री
उन्होंने भी इस इलाके की बहुत सेवा की और असी डॉक्टर माली परिवार साडा एक परिवार है और अज असी जो प्रण किया है डॉक्टर साहब ने किया है बिल्कुल सही किया है कि असी तद तक आराम नाल नहीं बैठांगे जब तक असी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सफाया नहीं कर लेंगे जब तक असी जंदर वैस्ट विच कमल का फुल नहीं खिला लेंगे तद तक असी आराम नाल नहीं बैठांगे। असी दोनों भरा अगे मैं कल्ला सी हुण मेरे नाल मेरा भरा डॉक्टर शिवदयाल माली मिलिया है एक एक ग्यारह असी इकट्ठे हो के बड़ी वड्डी शक्ति नाल जिवें किया है साडे कार्यकर्ता साडे साथी हज़ारां दी तादाद विच इस समय का इंतजार कर रहे सन हुण समा आ गया है कि असी कांग्रेस और तुसीं देखिया होना जंदर वैस्ट विच अगर पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा कितने क्राइम है भ्रष्टाचार है कितने भू माफिया है शराब तस्करी है तो जंदर वैस्ट विच है साडे समाज नूं जो कह सकते हैं कि एक एक्सपॉयल कर रहा है साडे समाज का साडे नौजवान बच्चों दीआं जानां जा रहीआं हन इस कांग्रेसी उम्मीदवार के कारण जो गली गली शराब बिक्री है असी तैयार करने हाँ कि जब तक असी इन्हां लोकां नूं घर नहीं बिठावांगे भारी बहुमत असी जित के इन्हां नूं हरावांगे और असी इन्हां नूं सबक सिखावांगे कि अगर समाज सेवा करनी है तुहानूं अपना अक्ष और अपना कारोबार और अपना धंधा अपनी नीयत साफ करनी चाहिए है